भारतीय कप्तान ने एक बार फिर अपना विनम्र स्वभाव दिखाया। उनके दिल को छू लेने वाले हावभाव ने अब सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान आकर्षित किया है। धोनी रविवार को चेन्नई के लिए रवाना होने से पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर देखे गए थे। हवाई अड्डे पर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान को प्रशंसकों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों के साथ बातचीत करते देखा गया। धोनी ने हवाई अड्डे के अधिकारियों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी किया। इसका एक वीडियो अब ट्विटर पर वायरल हो गया है। दरअसल धोनी 44वें शतरंज ओलंपियड के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने निकले थे। धोनी का चेन्नई से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। 2008 में वो चेन्नई सुपर किंग फ्रेंचाइजी के कप्तान बने, जिसे वो 4 बार आईपीएल खिताब जिता चुके हैं। धोनी ने आईपीएल के 15वें सीजन से पहले कप्तानी छोड़ दी थी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चेन्नई का कप्तान नियुक्त किया गया था। हालांकि चेन्नई के कप्तान के रूप में जडेजा का कार्यकाल निराशाजनक साबित हुआ, क्योंकि वो 8 मुकाबलों में अपनी टीम का नेतृत्व करने के बाद केवल 2 मैच जीतने में सफल रहे थे। जडेजा को सीजन के बीच में ही चेन्नई के कप्तान के रूप में पद छोड़ना पड़ा और धोनी ने फिर से टीम की कमान संभाली। चेन्नई ने आईपीएल 2022 सीजन को 14 मैच में सिर्फ 10 अंकों के साथ 9वें स्थान पर समाप्त किया। वहीं धोनी के आईपीएल करियर को देखा जाए तो उन्होंने अब तक 234 मैच खेले हैं और 135.20 के स्ट्राइक रेट से 4,978 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनके नाम 24 अर्धशतक भी दर्ज है। दोस्तों, अगर आप भी एमएस धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।